क्रिश्चियन हेयर और आज हम बात करने वाले एक थी बेगम के बारे में। आपने वो यमराज और सावित्री वाली स्टोरी सुनी है ना, जहाँ सावित्री अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से भी भिड़ गई थी। तो कुछ यही स्टोरी लाइन फॉलो करती है ये सीरीज, जहाँ पति की मौत का बदला लेने के लिए जो सावित्री है, मतलब हमारी फिल्म की हीरोइन, वो गुंडों से भिड़ गई है, मतलब अंडरवर्ल्ड डॉन से सीधे जाके भिड़ रही है। तो बात कर लेते हैं स्टोरी प्लॉट की। सो फ्रेंड्स, स्टोरी स्टार्ट करूँ उससे पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को ऐसी मोर अपडेट्स के लिए, क्योंकि मैं हर वीडियो में न्यू रिलीज वेब सीरीज की स्टोरी लेके आती हूँ आपके लिए। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। बात कर लेते हैं स्ट्रेट प्लॉट की। तो स्ट्रेट प्लॉट कुछ ऐसा है कि 1986 का दौर है, जहां मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन मकसूद का कब्जा है, मतलब राज करता है वो मुंबई पे, और उसके लिए काम करता है जहीर। जहीर की पत्नी है अशरफ, मतलब दोनों का अच्छा प्यार वाला एंगल दिखाया जाता है, फैमिली वैल्यू दिखाई जाती है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनकी फैमिली में कि वो एक बेबी चाहते हैं और वो हो नहीं पाता। फाइनली ये खुशी आती है उनके घर में और मकसूद बोलता है कि यार मैं अभी ये काम नहीं करूंगा जो काम वो करता है अंडरवर्ल्ड के लिए, खून खराबा सब कुछ रहता है। तो अशरफ बोलती है भाई प्लीज तुम मत करो ये काम मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, तो वो ये काम छोड़ देता है। पर दोनों की लाइफ में मुसीबत तब आती है जब मकसूद जहीर को मार देता है और वहीं अशरफ भी अपने बच्चे को खो देती है। मतलब अशरफ के पास कुछ भी नहीं बचता है और वो डिसाइड करती है कि अब इन सब चीज का बदला वो लेगी। जब उसका पति नहीं है, बच्चा नहीं है, तो वो क्या करेगी जी, क्या फाइट करेगी वो उनसे जिन्हें उसका सब कुछ छीना है। तो उसका फाइट, मतलब बोलते ना, उसका छोटे मोटे गुंडों के साथ नहीं रहता है, डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड के डॉन मकसूद, मतलब हम बोल सकते हैं उनको दाऊद अब्राहम, उनसे पंगा लेने जा रही है। और ये रियल इंस्टेंस पे बेस है ये कहानी कि कैसे एक औरत अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए डायरेक्ट अंडरवर्ल्ड डॉन से भिड़ी है, वो सीरीज में दिखाया गया है। बाकी बात कर लेते हैं इसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट की। तो सीरीज का प्लस पॉइंट ये है कि सीरीज काफी लेंथी है, मतलब 14 एपिसोड है और करीबन हर एपिसोड 30 से 35 मिनट के, उसके बावजूद भी आप स्टोरी से एंगेज रहते हैं। मतलब आप ये सोचते हैं कि यार अब क्या होगा, ये लड़की क्या करेगी, वो डॉन को मार पाएगी या नहीं मार पाएगी। ओवरऑल कैरेक्टर बहुत अच्छे से डेवलप किए गए हैं, मतलब हर कैरेक्टर से कनेक्ट हो जाते हैं। और वो जो अशरफ वाला कैरेक्टर है ना, जो सपना अपने आप को चेंज करती है मेन हीरोइन का, जो कि एक थी बेगम का नाम रखा गया है सीरीज का, वो बहुत ही इंगेजिंग है, आप उससे बहुत ही ज्यादा कनेक्ट होते हैं। वो इमोशन वाला फील और जब वो फाइट करती है, वो सारे सीक्वेंस आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आप इंगेज होंगे काफी। मतलब आप बोल सकते हैं इतनी लंबी है सीरीज, फिर भी आप स्टोरी में बने रहते हैं। एंड ऑफ द क्लाइमेक्स थोड़े से ट्विस्ट दिए गए हैं, सेकेंड सीजन के लिए स्टोरी रखी गई है, बाकी ओवरऑल अच्छी है। बात कर लेते हैं नेगेटिव पॉइंट की। तो नेगेटिव पॉइंट ये है सीरीज का कि प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं है। मतलब हाँ, हमने अंडरवर्ल्ड को लेके बहुत सारी ऐसी फिल्म देखी है तो हमें कुछ न्यू देखने नहीं मिला है, बट हाँ वो जो एक रिवेंज वाली फाइट है, वो जो एक औरत करती है, वो थोड़ी सी न्यू है। बाकी ओवरऑल अच्छी है सीरीज, आप देखें। मैं सीरीज को देती हूँ अपनी तरफ से 5 में से 3.5 स्टार। तो बने रहिए मेरे चैनल पर ऐसी मोर अपडेट्स के लिए, क्योंकि अपने हर वीडियो में न्यू रिलीज वेब सीरीज की स्टोरी लेकर आती हूँ आपके लिए। तो कहीं मजा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में न्यू रिलीज वेब सीरीज और फिल्म्स की स्टोरी बताती हूँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।